जो ब्रह्मचारी हैं डॉक्टर लगाते हैं उनका आपने जो क्लिप डाली थी मैंने जब डाली थी उसके ऊपर उनका क्वेश्चन ये था कि इतनी सारी जो चार संप्रदाय हैं हमारी चार संप्रदाय हैं उसमें तो हमेशा से ऐसे हुआ है कि दीक्षा गुरु हुए अगर उन्होंने नेक्स्ट को दीक्षा गुरु बनाया फिर नेक्स्ट को दीक्षा गुरु बनाया इस तरह से परम्परा चलती है तो ये कौन सी नई परम्परा आप देख रहे हैं। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रभुपाद जी ने गायत्री कैसे दे दी माताओं को, छोड़ दो प्रभुपाद जी थे वो, प्रभुपाद जी हैं वो, प्रभुपाद जी रहेंगे वो। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था, फाउंडर आचार्य, आप कोई डॉक्टर हो वॉक्टर हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फाउंडर आचार्य का मतलब मालूम है क्या होता है? आप दूसरे संप्रदाय को देखे करोगे कि प्रभुपाद जी जो कहते करोगे, बड़े अजीब लोग हो आप लोग, जब अपना अच्छा ही लगा दूसरे का ये अच्छा है ये ले लो ये मेरे लिए अच्छा है मतलब मेरे भोग के लिए अच्छा है। प्रभुपाद जी की है संस्था ये, प्रभुपाद जी की परंपरा है ये, हम प्रभुपादानुगा हैं। हकीकत के अंदर हम और कुछ नहीं है, हम प्रभुपादानुगा हैं। यही तो मैंने कहा शास्त्रों को मत देखो दूसरों को मत देखो, प्रभुपाद जी अगर कहा है तो वो सत्य है। 94% वेद लुप्त हो चुके हैं, ये जीव गोस्वामी जी ने तत्व संदर्भ में बड़े स्पष्ट रूप में कहा है, तो क्या पता उस 94% के अंदर, क्या पता नहीं मेरे को पूरा अटल विश्वास है उस 94% के अंदर ही ऋत्विक था है और रहेगा जो आपकी दृष्टि से अगोचर है। प्रभुपाद जी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो शास्त्रों से बाहर हो, अगर उन्होंने कहा है कि ऋत्विक होगा तो वो शास्त्रों की वाणी है। ये आपकी श्रद्धा नहीं है प्रभुपाद जी में जो आप कहते हो कि नहीं, अरे 6% शास्त्रों को लेके डंके बजा रहे हो, है 94 को भूल गए? अरे प्रभुपाद जी ने जो कहा वो अटल सत्य है, खत्म, इसके आगे पीछे बात करने की जरूरत नहीं है, और वो 94% में है, ये मुझे पूर्ण निष्ठा है। विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, निष्ठा है कि प्रभुपाद ने जो कहा है सत्य है। इसलिए आप कृपा करके ये रामाचार्य जी ने ये कहा, माधवाचार्य जी ने ये कहा, वल्लभाचार्य जी ने ये किया, उन्होंने ये किया, भाई साहब सबने किया तो उनके पास चले जाओ ना, मैं मना कर रहा हूं क्या है? उनके पास जाओ, यहां तो प्रभुपाद की चलेगी, यहां तो प्रभुपाद जी की चलेगी ना कि उनकी। मुझे किसी और संप्रदाय से मतलब नहीं, मुझे प्रभुपाद जी से मतलब है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही सत्य था सत्य है और सत्य रहेगा, कि उन्होंने किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया, उन्होंने कहा मैं दीक्षा गुरु हूं। इससे किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, अगर आप इज्जत के शौकीन हो, अगर नाम के शौकीन हो तो इससे कुछ कम नहीं हो जाती। अच्छे शिष्य बनो, प्रभुपाद जी के शिष्य बनो, जानो कि वो क्या चाहते थे। तो इसलिए डॉक्टर साहब मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, सही डॉक्टरी करो, समझ में आया? तोड़ मरोड़ो मत। रामानुजाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी का नहीं बैठता एक जैसा, क्या बात कर रहे हो आप? हमारा गौड़ियों का नहीं बैठता माधवाचार्य जी के साथ, तो क्या करोगे आप? फिलॉसफी चेंज कर दोगे क्या? क्या बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, है नहीं बैठती हमारी फिलॉसफी, हमारी गौड़ियों की वैष्णव फिलॉसफी अलग है, जानते हैं ना आप? क्यों मूर्ख बनाते? हम गौड़े हैं, गौड़े हैं बस, और गौड़ियों में भी हम प्रभुपादानुगा हैं, गौड़े वैष्णव हैं और प्रभुपादानुगा हैं, फिनिश्ड। जब मैं किसी संप्रदाय वाले से झगड़ा नहीं करता, वो कहते हैं मुझे अरे एकादशी में टमाटर खाते हो, मैंने कहा यार मैं टर्टर करता हूं तुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूं तू नहीं खाता। हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रभुपाद जी टमाटर खाओ, तो मैं एक नहीं 1 किलो खाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं उनसे झगड़ा नहीं करता प्रभु जी, मैं प्रभुपादानुगा हूं, मैं उन्हीं का फॉलोअर हूं, बस खत्म, इससे आगे पीछे नहीं जानता मैं कुछ। मैं जब जब भी बार बार कह रहा हूं आपसे, मुझे ये मत दिखाओ शास्त्र फास्त्र, मुझे तो एक जगह दिखा दो प्रभुपाद ने कहा है कि इन लोगों को मैंने दीक्षा गुरु बनाया है, बस फिनिश्ड। अगर कोई बुद्धिमान है कोई अकलमंद है तो ये इस स्टेटमेंट को याद रखना, मूर्ख मत बनो, मृत्यु के समय प्रॉब्लम आएगी जबरदस्त, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। एक्चुअली नॉट फॉलोइंग प्रभुपाद इज रिजेक्टिंग प्रभुपाद। डोंट गिव मी स्टेटमेंट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स,
डोंट ट्राई दैट विद प्रभुपाद. जो ये आज बात कर रहे हैं, इतना प्रभुपाद ने इनको कहा था. इन्होंने कहा था हम कृपा और साधना सिर्फ मिक्स हैं. तब प्रभुपाद ने कहा था अरे तुम मिक्स विक्स कुछ नहीं हो, तुम कृपा सिद्ध हो. मैंने कृपा करी है इसलिए तुम भक्ति कर रहे हो. ये बात को मैं मानता हूं और मैं सब जो दीक्षा गुरु बन के घूम रहे हैं इनसे भी कहता हूं अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कृपा सिद्ध हो कि साधना सिद्ध हो या साधना और कृपा सिद्ध के मिक्सचर हो. हम लोग सब कृपा सिद्ध. उसी प्रभुपाद को आपने छोड़ दिया. प्लीज फॉर गॉड सेक. और दूसरों को मैं सबको कह रहा हूं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बुद्धि लगाओ. प्रभुपाद डिडंट वांट फूल्स. प्रभुपाद मूर्खों को नहीं चाहते थे. प्रभुपाद जी चाहते थे जो कि विचार कर सके, समझ सके. और समझने का एक ही तरीका है कि प्रभुपाद जी के वचन जो हैं वो अटल सत्य हैं. वो वेदों में से हैं. ऋत्विक जो है वेद का सिस्टम है क्योंकि प्रभुपाद ने कहा. बस खत्म. इसके आगे कुछ पीछे कुछ नहीं है. रामानुजा जी क्या करते हैं, माधवा जी क्या करते हैं, मेरे को झगड़ा थोड़ी है उनसे. करने दो जो करते हैं.